छठा अध्याय। सूत जी बोले, ब्रह्मन, परमात्मा भगवान विष्णु से जिस प्रकार देव, दानव और यक्ष आदि उत्पन्न हुए हैं, उस जगत की सृष्टि का वृत्तांत मैंने आपसे कह दिया है। अब ऋषियों के निकट जिस उद्देश्य को लेकर पहले आपने मुझसे प्रश्न किया था कि वशिष्ठ जी मित्रा वरुण के पुत्र कैसे हुए, उसी पुरातन पवित्र कथा को कहूंगा। भरद्वाज जी, आप एकाग्रचित हो, विशेष सावधानी के साथ इसे सुनिए। संपूर्ण धर्म और अर्थों के तत्वों को जानने वाले समस्त वेद वक्ताओं में श्रेष्ठ तथा समग्र विद्याओं में पारदर्शी दक्ष नामक प्रजापति ने अपनी 13 सुंदरी कन्याओं को, जो सभी कमल के समान नेत्रों वाली और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी, कश्यप मुनि को दे दिया था। उनके नाम बतलाता हूँ, आप लोग इस समय मुझसे उनके नाम जान ले। अदिति, दिति, दनु, काला, मुहूर्ता, सिंहिका, मनु, ईरा, क्रोधा, सुरभि, विनीता, सुरसा, खसा, कद्रु और सरमा, जो देवताओं की कुतिया कही गई है। ये सभी दक्ष प्रजापति की कन्याएं हैं। उनको दक्ष ने कश्यप जी को समर्पित किया था। विप्रवर, अदिति नाम की जो कन्या थी वो इन सब में श्रेष्ठ और बड़ी थी। अदिति ने 12 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो अग्नि के समान कांतिमान और तेजस्वी थे। उन सब के नाम बतलाता हूँ, आप मुझसे उन्हें सुने। उन्हीं के द्वारा सर्वदा क्रमशः दिन और रात होते रहते हैं। भग, अंशु, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पूषा, इंद्र और 12वें विष्णु है। ये 12 आदित्य तपते और वर्षा करते हैं। अदिति के मध्य पुत्र वरुण लोकपाल कहे गए हैं। इनकी स्थिति वरुण दिशा पश्चिम में बतलाई जाती है। ये पश्चिम दिशा में पश्चिम समुद्र के तट पर सुशोभित होते हैं। वहाँ एक सुंदर सुवर्णमय पर्वत है, उसके शिखर पर रत्नमय है। उन पर नाना प्रकार के धातुएं और झरने हैं। इनसे युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण वह सुंदर पर्वत बड़ी शोभा पाता है। उसमें बड़े बड़े दरारे और गुहाएं हैं, जहां बाघ और सिंह दहाड़ते रहते हैं। वहां के अनेकों अनेक एकांत स्थलों पर सिद्ध और गंधर्व वास करते हैं। जब सूर्य वहां पहुंचते हैं तो समस्त संसार अंधकार से पूर्ण हो जाता है। उसी पर्वत के शिखर पर विश्वकर्मा की बनाई हुई एक विश्वाति नामक शोभनपुरी है, जो बड़ी दिव्य तथा सुवर्ण से बनी हुई है और उसमें मणियों के खंभे लगे हैं। इस प्रकार ये पूरी रमणीय और संपूर्ण भोग साधनों से संपन्न है। उसी में अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वरुण नामक आदित्य ब्रह्मा जी की प्रेरणा से इस संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। वहाँ उनकी सेवा में गंधर्व और अप्सराएं रहती हैं। एक दिन वरुण अपने अंगों में दिव्य चंदन का अनुलेप लगाए दिव्य आभूषणों से विभूषित हो मित्र के साथ वन को गए। ब्रह्म शीरगण सदा जिनका सेवन करते हैं, जो नाना प्रकार के फल और फूलों से युक्त तथा उनके तीर्थों से व्याप्त हैं, जहाँ उद्धव रेता मुनियों के आश्रम दृष्टि गोचर होते हैं तथा जो प्रचुर फल फूल और जल से पूर्ण है, उस सुंदर सुरमय कुरुक्षेत्र तीर्थ में पहुंचकर वो दोनों देवता चिर और कृष्ण मृगचंद धारण करके तपस्या करने लगे। वहाँ पर वन के एक भाग में निर्मल जल से भरा हुआ एक सुंदर सरोवर है, जो बहुत सी झाड़ियों और बेलों से आवृत है। अनेका एक पक्षी उसका सेवन करते हैं। वह भांति भांति के वृक्ष समूहों से आच्छन और कमलों से सुशोभित है। उस सरोवर की पौंडरिक नाम से प्रसिद्धि है। इसमें बहुत सी मछलियाँ और कछुए निवास करते हैं। तप आरंभ करने के पश्चात वे दोनों भाई मित्र और वरुण देवता एक दिन वन में विचरण करते हैं और स्वेच्छानुसार घूमते हुए उस सरोवर की ओर गए। वहाँ उन दोनों ने उस समय श्रेष्ठ और सुंदरी अप्सरा उर्वशी को देखा, जो अपने सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी। वह सुमुखी अप्सरा उस निर्जन वन में विश्वस्त होकर हंसती और गाती थी। उसका वन गोरा था, कमल के भीतरी भाग के समान उसकी कांति थी। उसकी अलाखें काली काली और चिकनी थी। आंखें कमल दल के समान बड़ी बड़ी थी। होठ लाल थे। उसका भाषण बहुत ही मधुर था। उसके दान शंख कुंभ और चंद्रमा के समान श्वेत परस्पर मिले हुए और बराबर थे।
उस मनस्विनी की भुएं, नासिका, मुख और ललाट सभी सुंदर थी। कटी भाग सिंह के कटी प्रदेश की भांति पतला था। उरोज, उरु और जांग ये मोटे और घने थे। वह मधुर भाषण करने में चतुर थी। उसका मध्य भाग सुंदर और मुस्कान मनोहर थी। दोनों हाथ लाल कमल के समान सुंदर एवं कोमल थे। शरीर पतला और पैर सुंदर थे। वो पला बड़ी ही विनीता थी। उसका मुख पूर्ण चंद्र के समान आह्लादजनक और गतिमत गजराज के समान मन थी। उर्वशी के उस दिव्य रूप को देखकर वो दोनों देवता विस्मय में पड़ गए। उसके लास्य, नृत्य, हास्य, ललित भाव, मिश्रित मन मन मुस्कान और मधुर सुरेले गान से तथा शीतल मन सुगंधित मल्य नील के स्पर्श से मतवाले भौरों की संगीत और कोकिलों के कर विराल से उन दोनों का मन और मुग्ध हो गया। साथ ही उर्वशी की तीर्ची चितवन के शिकार होकर वे दोनों वहां से सकलित हो गए। उनके वर्य का पतन हो गया। मुनिवर, इसके बाद निमि के साफ वश वशिष्ठ जी का जीव आत्मा अपने शरीर से पृथक होकर मित्र वरुण के वर्य में अविष्ट हुआ। वशिष्ठ, तुम मित्र वरुण के पुत्र होगे। इस प्रकार विश्वदेवे ने निमिकेश शुक्र में आकर कहा था तथा ब्रह्मा जी का भी यही कथन था। अतएव मित्र वरुण के तीन स्थानों पर गिरे हुए वर्यमानों से जो भाग कमल पर गिरा था उसी से वशिष्ठ जी हुए। उन दोनों देवताओं का वर्य तीन भागों में विभक्त होकर कमल, जल और स्थल पर या घड़े में गिरा। कमल पर गिरे हुए वर्य से मुनिवर वशिष्ठ उत्पन्न हुए। स्थल पर गिरे हुए रेतस से अगस्त और जल में गिरे हुए शुक्र से अत्यंत कांतिमान मत्स्य की उत्पन्न हुई। इस तरह उस कमल पर बुद्धिमान वशिष्ठ, कुंभ में अगस्त और जल में मत्स्य का अभिवार्य हुआ, क्योंकि मित्र वरुण का वर्य तीन स्थानों पर बराबर गिरा था। उसी समय उर्वशी स्वर्ग लोक में चली गई। वशिष्ठ और अगस्त इन दोनों ऋषियों को साथ लेकर वो दोनों देवता पुनः अपने आश्रम में लौट आए और पुनः उन दोनों ने अत्यंत उग्र तप आरंभ किया। तपस्या के द्वारा सनातन परम ज्योति ब्रह्म धाम को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले उन दो तपस्वी देव ऋषियों से ब्रह्मा ने आकर कहा, महान कांतिमान और पुत्रवान मित्र तथा वरुण देवताओं, तुम दोनों को पुनः वैष्णवी सिद्धि प्राप्त होगी। इस समय संसार के साक्षी रूप से तुम लोग अपने अधिकार पर स्थित हो जाओ। यूं कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और दोनों देवता अपने अधिकृत पद पर स्थित हुए। ब्राह्मण, इस प्रकार महात्मा वशिष्ठ जी और बुद्धिमान अगस्त जी जिस तरह से मित्र वरुण के पुत्र हुए थे वो सब प्रसंग मैंने आपसे कह दिया है। ये वरुण देवता संबंधी पुनः व्याख्यान पाप नष्ट करने वाला है। जो लोग पुत्र की कामना से शुद्ध व्रत का उच्चारण करते हुए उनका श्रवण करते हैं वे शीघ्र ही अनेक पुत्र प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो उत्तम ब्राह्मण हव्य, देवयाग और काव्य पितृयाग में उनका पाठ करता है उसके देवता तथा पितर तृप्त होकर अत्यंत सुख प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य नित्य प्रातः काल उठकर इसका श्रवण करता है वो पृथ्वी पर सुख पूर्वक प्रसन्नता के साथ रहता है और फिर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वेद वक्ताओं द्वारा प्रतिपादित इस पुरातन उपाख्यान को जैसे मैंने कहा है जो लोग सादर पढ़ेंगे और सुनेंगे वह शुद्ध होकर अनायास विष्णु लोक को प्राप्त कर लेंगे।